अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित एंड आज मैं आपके लिए एक न्यू लेसन लेकर आया हूँ। ये मेरे सीरीज का 7वां लेसन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्ड्स कैसे होल्ड किए जाते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के लेसन पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कॉर्ड्स होल्ड कैसे किए जाते हैं। यार ये तो ना प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है कि कैसे आप प्रैक्टिस करते हो और क्या है क्या नहीं है। अगर आपको कॉर्ड्स पकड़ना आता है, कॉर्ड्स की पोजीशन आपको पता है कि कैसे पकड़ी जाती है, तो आप कॉर्ड्स आराम से पकड़ लेंगे। तो मैं आज इसमें एक रिव्यू करूँगा, ओके, जिसमें मैं आपको सारे ओपन कॉर्ड्स बताऊँगा और उसको होल्ड करना बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कॉर्ड्स पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं ओपन कॉर्ड्स का सी मेजर कॉर्ड, जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो सी मेजर आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ऊपर डायग्राम भी आ रहा होगा, ये ऊपर देखिए, पहला ये फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, सेकंड फ्रेट पे ये फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट पे ये फिफ्थ स्ट्रिंग, ओके। तो ये है सी मेजर। अब क्या है इसमें, क्या होल्ड क्या करना है, मतलब अगर आपको पकड़ना नहीं आ रहा है तो क्या करिए, ऐसे रिलैक्स करिए हाथ को और वापस फिर उस पोजीशन को पकड़िए और एक एक स्ट्रिंग प्ले कीजिए ऐसे करके पिक से, ठीक है, पिक से, फिर होल्ड ऐसे रिलैक्स कीजिए, फिर एकदम से वापस, फिर रिलैक्स करिए, फिर वापस। तो यही करना है आपको। अगर आपको ऐसा हो रहा है रिलैक्स करके वापस जल्दी से पकड़ रहे हो आप, जैसे ये करके यूं, ये पोजीशन आपकी सीधी यहाँ आ रही है तो कॉर्ड्स पकड़ रहे हो। अब आप ऐसे कर रहे हो, मैंने बोला आपको कि पकड़िए, अब आप रिलैक्स करिए फिर वापस पकड़िए, तो आप क्या पकड़ रहे हैं ऐसे, फिर देख रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वापस, ये है सी मेजर, ठीक है। होल्ड करना है एकदम, कॉर्ड्स की पोजीशन पता है आपको, छोड़ना है रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है पकड़ना है, रिलैक्स करना है पकड़ना है। इससे क्या होगा, आपके जो कॉर्ड्स है ये आपको कॉर्ड्स पकड़ना भी आ जाएगा, ऊपर से आपकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो बढ़ेगी। जैसे कि आपने जैसे सी मेजर पकड़ा, उसके बाद ए माइनर पकड़ना है, तो ये जैसे सी मेजर है, अब ए माइनर जैसे पकड़ना है, तो ए माइनर जैसे रिलेटिव कॉर्ड है सी मेजर का, ठीक है, ए माइनर इस टाइप में पकड़ा जाता है। ये जो ये वाली स्ट्रिंग होती है यहाँ पर, इसको हटा के यहाँ लगानी है, ये जो आपकी कौन सी स्ट्रिंग है, ये थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, ये जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को हटा के हमने यहाँ पर लगा लिया थर्ड स्ट्रिंग पे, उसी सेकेंड फ्रेट पे, देखिए ये है हमारा ए माइनर, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए सी मेजर ए माइनर देन डी मेजर, ये मैंने आपको पकड़ना बता रखा है, बस आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, वापस ऐसे पकड़ना, रिलैक्स करना वापस इसको ऐसे पकड़ना, रिलैक्स करना वापस इसको ऐसे पकड़ना, रिलैक्स करना है जी मेजर पकड़ना है, जी मेजर भी मैंने आपको बता रखा है, इस टाइप में पकड़ा जाता है जी मेजर, तो जी मेजर फिर ऐसी डी मेजर देन सी वापस ऐसे, रिलैक्स करके अलग अलग कॉर्ड चेंज करो। पहले आप एक ही कॉर्ड्स को पकड़ो, जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है सी मेजर नहीं पकड़ना आ रहा, तो एक ही कॉर्ड्स को रिलैक्स करके पकड़ो, अगर आपको फिर ऐसे ये पकड़ना आ रहा है उसके बाद क्या डी मेजर चेंज करो, ये पकड़ना आ रहा है तो ए माइनर चेंज करो, ये पकड़ना आ रहा है तो जी मेजर चेंज करो, ये पकड़ना आ रहा है तो फिर ई मेजर, ई मेजर कैसे प्ले होता है, ए माइनर है, ए माइनर का एक एक स्टेप ऊपर कर लेंगे हम, ये हमारा ई मेजर हो जाएगा, ये ए माइनर एक एक स्टेप ऊपर करा तो ई मेजर, और इसी फिंगर को हटा देंगे तो ये हमारा ई माइनर भी हो जाएगा, ओके, ये जो ये वाली फिंगर है फर्स्ट इंडेक्स, इसको हटा देंगे तो ये ई माइनर, ओके। तो ये है कॉर्ड्स, और एक कॉर्ड आपका एफ मेजर का एक कॉर्ड हमारा, ये कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्ड है, हर गाने में यूज होता है, तो ये बार में आता है, बार में अगर आपको प्ले करना है तो आप बार में भी प्ले कर सकते हैं। इसकी पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ,
डायग्राम ऊपर आ रहा होगा, एफ ये पूरी फिंगर होल्ड करनी है ऐसे, और इसको क्या करना है, सारे इस सारी स्ट्रिंग में आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ लास्ट की ये दो स्ट्रिंग है इसमें आवाज आनी चाहिए, ऊपर की आए या ना आए, ओके। और ये बिल्कुल यहाँ पर, और क्या करना है, ये जो हमारी पिंकी और रिंग फिंगर है इसको थर्ड फ्रेट पे मार को फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रिंग को होल्ड करना है ऐसे, ओके। ऊपर वाली स्ट्रिंग में आवाज आनी भी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या है, ये जो ये हमारी बीच फिंगर है बीच वाली, इसको हमको करना है थर्ड स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग पे होल्ड पकड़ना है सेकंड फ्रेट पे, ठीक है। तो ये इस टाइप में एफ मेजर कॉर्ड बन जाता है, ओके। और इसको अगर आप थोड़ा ओपन में प्ले कर सकते हैं, अगर आप बार नहीं पकड़ पा रहे हो तो इसको ये सेकंड स्ट्रिंग पे रख लीजिए, फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे ये रख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा एफ मेजर है, ओके। तो यही चार पांच कॉर्ड है, इसको ही कैसे होल्ड करना है, क्या मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे पकड़ो, इसको रिलैक्स करो, फिर वापस पकड़ो। अगर आपको ये सही से पकड़ना आ रहा है तो फिर क्या करिए, सी मेजर पकड़ा, उसके बाद ए माइनर, देन जी मेजर, देन डी मेजर, देन ई माइनर, देन ई मेजर, ऐसे करके अलग अलग कॉर्ड होल्ड करो। और ऐसा भी नहीं कि सारे कॉर्ड एक ही साथ होल्ड करने हैं, सी मेजर डी मेजर, सी मेजर डी मेजर, सी मेजर डी मेजर, ई माइनर, ए मेजर, ए मेजर भी मैंने आपको पहले सबसे पहला कॉर्ड था, जो अगर आप मेरे लेसन्स की सीरीज देखे तो उसमें मैंने ए मेजर का सबसे पहला कॉर्ड बता रखा है। ए मेजर क्या है, ए माइनर जो अभी मैंने बताया, ओके। ए माइनर में ये वाली, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको हटा के ये जो हमारी पिंकी है वो ये सेकंड स्ट्रिंग पे लगा देना है, सेकंड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग में लगा देना है, तो ये हमारा ए मेजर हो जाएगा, ओके। तो क्या है ये, ए माइनर हो गया, ए मेजर हो गया, ई मेजर हो गया, ये इसको ऐसे करिए रिलैक्स करो, रिलैक्स कर दिया। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, अगर आपको ये लेसन समझ आया तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी करें और साथ में एक बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट।